चलो ठीक सर, ठीक बोला, परफेक्ट है, सब चीज परफेक्ट है। हम लोग बच्चा है, बच्चा की तरह समझ समझ के पढ़ते चलेंगे कि नहीं बाबू अनुभव बाबू अनिधि। देखो शैतान, आपको इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्लांट के बारे में साइंस में। बाबू हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसको बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल राइज कर करके 7 8 9 0 तक पहुंच जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लांट के बारे में जितना बेसिक, क्रीपर्स क्या होता है, हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है, वाटरमिलन को क्या करोगे, प्लांट का पूरा खानदान आपको बता दिए, है ना, बोला उतना पढ़ लीजिएगा ना, तो क्लास 8 9 तक टेंशन फ्री रहना है। आपको 8 वाला साइंस वाला बुक पढ़ाएंगे, है ना, सारा वही चीज दिया हुआ है। 10th वाला बाबू फोटोसिंथेसिस आपको दिखाए थे, थोड़ा सा पढ़ाए थे, उसमें भी यही चीज दिया हुआ है ना, तो टेंशन नहीं लेना, है ना। अगला चैप्टर क्या बाबू, स्केलेटल सिस्टम है। ये क्या होता बाबू, हम लोग जो भोला खड़ा है ना जी, हम लोग अभी खड़े हो पा रहे हैं, तो किसके सहायता से खड़े हो पा रहे हैं, हमारे बॉडी का लवण्य एक डिफिनिट स्ट्रक्चर्स है ना भोला। तो इस स्ट्रक्चर्स को बनाने में सबसे ज्यादा जो रोल है किसका है, हड्डी का। हड्डी को क्या कहोगे, बोन कहोगे। शांति से समझते चलना, इजी से भी आसान है। एक बार आप लोग को साइंस एकदम स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर पढ़ने में मजा आएगा, है ना भोला, साइंस मैथ सब चीज पढ़ने में मजा आएगा, खाली सीखते चलिए। तो हम लोग बाबू अभी ये खड़े हो पा रहे हैं, खड़े होकर पढ़ा रहे हैं ना जी। आप लोग एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, करते हो। तो अगर बाबू हम लोग के बाबू है ना, इस बॉडी से भोला सारा का सारा बाबू बोन्स निकाल दिया जाए। देखो यहाँ भी बोन है, यहाँ भी बोन है, यहाँ जहां जहां हार्ड पार्ट है वहां वहां क्या है, बोन है, ठीक। अगर ये सारे बोन निकाल दिया जाए सुरभि शैतान, तो आप ऐसे जाके बाबू है ना रेंगते रहोगे, चल ही नहीं पाओगे, ठीक। तो बोन्स क्या करता भोला, हमारे बॉडी को बाबू एक डिफिनिट शेप देता है ना, जिसकी सहायता से हम लोग बाबू क्या हो रहे, खड़े हो पा रहे, चल रहे हैं ना, ठीक। तो यही है ना, तो ये जो बोन का स्ट्रक्चर्स है ना भोला, हमारा देखो बॉडी का डिफरेंट एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पे चेस्ट है, ये हाथ है, इधर हैंड है कि नहीं भोला, है ना बाबू, ठीक सर। ये बाबू आपका हेड है, स्कल है, तो यहाँ सारे पार्ट जगह क्या बोन है, आई बोन मिलके बाबू एक स्ट्रक्चर्स बना दिया ह्यूमन बॉडी का। हाँ सर, तो ये जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर्स बना दिया ना, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। एकदम समझते चलना, इजी से भी आसान है साइंस। साइंस में कुछ है संस्कार, गुड ऑन करो जी, ठीक, मन से पढ़ने चलना बाबू, है ना, ऐ था बाबू ऑन करो जी। तो हमारा जो बाबू हड्डी का बाबू एक जो सिस्टम बना हुआ है सुरभि, है ना, जैसे आप लोग बच्चे हो है ना, तो आपका भी बाबू एक क्या स्ट्रक्चर्स है, तो किसका स्ट्रक्चर, हड्डी के मिलकर बाबू एक सिंपल सा स्ट्रक्चर्स बना हुआ है ना, तो यही जो स्ट्रक्चर्स है, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहोगे, स्केलेटल सिस्टम कहोगे। अब इसमें हम बाबू कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो प्रीवियस फ्राइडे वाले क्लास में आपको लिखा दिए हैं कि इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में। तो जो जो बच्चा नया है या जिसका छोटा है प्रीवियस फ्राइडे वाला, तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, हमको मैसेज करना, हम भेज देंगे। तो प्रीवियस एक क्लास हुआ है उसको देख लीजिएगा, अभिनव सिंह और संस्कार का लगता है शायद छोटा वगैरह है, जो जो नए का सब है ना, ठीक। तो आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, समझने में आसानी होगा, ठीक सर, ठीक बाबू। तो ये बाबू स्केलेटल सिस्टम है। तो हमारे बॉडी में भोला कितना बाबू बोन्स है, देखो यहाँ पे हड्डी है कि नहीं, हाँ सर, यहाँ पे भी बोन है ना, हाँ सर, यहाँ पे भी बोन है, हाँ सर, यहाँ पे भी है, ये कलाई में भी बोन है, यहाँ पे भी बोन है, यहाँ पे भी बोन है, यहाँ है बाबू, यहूँ बोन है कि नहीं है, है ना, हाँ सर, सब जगह खाली हड्डी हड्डी भरा हुआ कि नहीं, ठीक। तो हमारे बॉडी में बाबू टोटल कितने टाइप के हड्डियां हैं, कितने टाइप के बोन्स है बाबू, कूट देंगे रुद्र शैतान, कह ले रे झंड के ले जी। हमारे बाबू बॉडी में भोला टोटल 260 बोन्स हैं, और आगे आपको दिखाएंगे बच्चे के बॉडी में बाबू 300 बोन होते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना,
एगो जो चाइल्ड होता है बाबू, मान लो 1 साल 2 साल का जो चाइल्ड होता है भोला मेरा, उसमें जानते बाबू 6 महीना 5 महीना है ना, छोटा जो बच्चा होता है उसमें बोन्स की संख्या कितनी होती है बाबू? कितने टाइप के बोन्स होते हैं? 300 टाइप के बोन होते हैं। और जैसे जैसे बाबू है ना, समझते चलना, बच्चा में बोन की संख्या 300। अब बाबू आप लोग के पप्पा जी में मम्मी जी में बोन की संख्या कितना? 200 में। तो ये बोन कहाँ गायब हो जाता है सर, है ना? आपके चाचा जी में है ना, कितना टाइप के बोन बाबू? 206 टाइप के बोन। और छोट का बच्चा में कितना? 300 टाइप का बोन। आंसर ये तो बात उल्टा हो गया, छोटा बच्चा में कम होना चाहिए और बड़का आदमी में ज्यादा होना चाहिए। नहीं भोला, देखो इसके पीछे कारण क्या है बाबू, भोली लावण्या सुरभि यार बहना, इसलिए भोली अनुभव बाबू अनन्या शिवांश हिताक्षी का है ना बाबू, गर ठंडा लग रहा है हिताक्षी, शैतान हो गई। वह 3:30 बजे नहीं आती, अभी पापा जी को फोन करते हैं। देखो जो बच्चा होता है भोला, उसका बॉडी देखना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। देखना आप बाबू, 1 साल का 6 महीने का बच्चा होगा, उसको कहना बाबू नाक से जीभ टच करने, तो जनरली बच्चा कर लेता है। उसका बॉडी क्या होता है? ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। बच्चे को कहना भोला है ना, अपना नाक बाबू घुटना में सटाने के लिए है ना, तो अपना नाक को बाबू घुटना में सटाने का होगा ना, तो जो छोटका छोटका बच्चा होगा ना सटा देगा। अब वही चाचा जी के बोलो तो टंग को नाक में टच करने, चाचा जी को नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों होता? या चाचा जी को जाकर बोलना नाक को बाबू है ना, बोला पापा चाचा जी नाक को अपने पैर के है ना घुटना में सटाइए, तो नहीं झुक पाएंगे। क्यों बोला? क्योंकि बाबू जो बच्चा होता है ना, उसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है ना, उसका बाबू हैंड वगैरह क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है ना। तो जब फ्लेक्सिबल होगा भोला, तो उस समय बोन्स की संख्या क्या होती है ना भोला? उस समय बोन्स की संख्या क्या होती है? वो 300 टाइप्स का बोन होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है बाबू, बोन्स क्या होते हैं? ज्वाइंट होते जाते हैं है ना। बोन्स बहुत सारे बोन्स बाबू क्या होते हैं? आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ ले जाते हैं। और जुड़ जुड़ के कितना बना देगा है ना भोला? बहुत सारे बोन्स जुड़ जुड़ के बाबू है ना, सिंगल एगो बोन्स का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण बाबू बोन्स घट घट के कितना आ जाएगा? 206 आ जाएगा। जैसे अभी अभिनव सिंह छोटा बच्चा है ना, तो उसको हैंड वगैरह मुंडी वगैरह ऐसे मोड़ने का होगा ना, तो ज्यादा है ना मूव कर पाएगा है ना। ये बाबू ऐसा हाथ से टच करो, और इसको बोला आप ऐसे पीछे करके टच करो, तो आपके चाचा जिसे नहीं हो पाएगा पीछे टच है ना, पीछे ऐसे करके टच करने का ना, क्योंकि बाबू क्या बहुत सारे बोन्स बोला ज्वाइंट होके एक बोन बन चुका है ना। तो बड़ा होने पे बोन ऐड होता ऐड होता ऐड हो के घट के कितना बचता है? 206 बोन बचता है ना। तो बच्चे में भोला 300 टाइप के बोन होते हैं, और बड़ा आदमी में चाचा जी चाची जी मौसा जी मौसी जी के पास 206 बोन होता है ना। हाँ सर, समझते चलना, एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट है ना। मैं हंसते मैं है ना बाबू, हंस हंस के हंसते हंसते पढ़ते चलो, ठीक ठीक सर। हाँ सर, तो यही एस्केलेटर सिस्टम है क्या जी? है ना, हम लोग बाबू अपने बॉडी से भोला ये सब ऊपर से लेयर हटा दो, पूरा स्किन वगैरह हटा देंगे यहाँ से तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा है ना। जब अपने बॉडी से भोला पूरा बाबू हटा देंगे है ना, यहाँ से मांस हटा दो यहाँ से हटा दो है ना, तो आपको बाबू एक क्या करेगा, हड्डी का कंकाल दिखाई देगा है ना। हड्डी सिर्फ हड्डी ही दिखाई देंगे, बोन्स ही बोन्स दिखाई देंगे ना। तो यही जो बोन्स दिखाई देगा ना, इसी को क्या कहोगे? स्केलेटल सिस्टम कहोगे। क्या कहोगे? स्केलेटल सिस्टम कहोगे है ना। अभी दिखाते देखो कैसा रहता है ना, ठीक। तो ये हो गया भोला। तो आवर बॉडी इज मेड ऑफ बाबू मेनी बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हमारा जो बॉडी भोला डिफरेंट टाइप के शेप और साइज के बोन से बना हुआ, जैसे यहाँ वाला बोन छोटे गो है ना बाबू, यहाँ वाला बोन यहाँ पे भी हड्डी है ना जी, देखो ना जी है ना, खैनी उन्हीं खाते हो ना भोला, ठीक है ना। तो यहाँ का हड्डी क्या अलग टाइप का शेप है, इस साइड वाला बोन्स क्या अलग शेप है, यहाँ वाला जो बोन्स है भोला उसका अलग शेप है, यहाँ का बोन्स का अलग शेप है, यहाँ वाला जो बोन है भोला अलग शेप है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। यहाँ वाला बोन का बाबू अलग शेप साइज है, यहाँ वाला बोला अलग है, इधर वाला अलग है। तो ऐसे कितने टाइप के बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में?
ऐसे 206 टाइप के बोन होते हैं। कितने होते हैं? 206 टाइप के बोन होते हैं, है ना? हाँ सर, समझते चलना। अब बच्चा मैसन का, ऐसन का कितना होगा? 300 टाइप्स का बोन होगा, है ना? देखना वो बच्चा के पीछे से दिमाग भरेगा, टच करोगे ना तो गुल गुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू है ना, बोन्स थोड़ा फैले हुए रहता है, जैसे जैसे बड़ा होगा है ना, बोला तो उसका बोन क्या होता है, ज्वाइंट होके हार्ड होते जाता। यहाँ तक समझ गया? तो वही लिखा, दीज आर बाबू 206 बोन्स इन आवर बॉडी भोला, बीच टूगेदर टू फॉर्म बाबू स्केलेटल सिस्टम। सारे बोन भोला मेरा भी मिल के बाबू क्या बनाएंगे? आपका स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे, है ना? हाँ सर, ठीक ठीक भोला, देखो समझना है ना। है जी, देखते लेक्चर वगैरह है भोला। एगो तो ये है भोला, हाँ एक मिनट बाबू, कहाँ गया, कहाँ गया जी? तो देखो बोला, और कहाँ गया बाबू? एक और है स्केलेटल सिस्टम का इंजी, एक मिनट बाबू, दिखा रहे हैं आप लोग को, है ना? हाँ सर, देखो हम लोग का बाबू इसी तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होगा ह्यूमन बॉडी का, कि नहीं अभिनव सिंह, है ना? हाँ सर, मन से पढ़ना सर, अभी अगड़ी गड़बड़ नहीं बोला। ठीक सर, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मेरा बच्चा सब तेज तरार है ना? तो हम लोग क्या बोला, क्या करी बाबू? सुरभि, क्या सुरभि कायर हो रही जी, पिटाई खोज रही जी, छटपटाओगी सुरभि? इसे तो नया थर वीडियो ऑन करो जी। ठीक सर, क्लियर दिख रहा है बाबू? हाँ बाबू, चलो क्लियर है बोला, छटपटाना नहीं है सुरभि, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जी। तो देखो बोला, स्केलेटल सिस्टम, क्या बाबू मेरे? स्केलेटल सिस्टम, तो ये दिख रहा है बाबू स्ट्रक्चर? हाँ सर, दिख तो रहा है बाबू अभिनव सिंह, नहीं दिख रहा बोला? हाँ सर, तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा बोला मेरा, है ना, यही मेरा क्या, आपके बॉडी से बाबू, हम लोग अपने बॉडी से भोला अगर हटा देंगे बाबू, है ना, शांति से समझना, हम अपने बॉडी से बाबू सारा का सारा मांस यहाँ से हटा दो ना भोला अभिनव सिंह, सारे का सारे मांस वगैरह सारे से एकदम, इतनी सा भी नहीं छोड़ो, तो कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर्स आएगा, है ना? कैसा आएगा हिताक्षी? इसी तरह से क्या आएगा हिताक्षी, बोलिए? स्ट्रक्चर्स आएगा, है ना आकांक्षा बाबू, गणेश? ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है बाबू, नहीं है, इसी को क्या कहोगे? स्केलेटल सिस्टम कहोगे, समझते चलना। ठीक आकर्ष? ठीक सर। आकांक्षा बाबू कहाँ गई? वैष्णवी आराध्या भी नहीं ना जी, है ना, कुटाएगी सब। अब इसमें बाबू देखो क्या है सर, इसमें भोला दिख रहा है बाबू, ये आपका हैंड हो गया, तो यहाँ का बाबू आपको क्या मिलेगा? अदर टाइप का बोन्स मिलेगा। यहाँ पे बाबू आपका रिब केज है, तो ये क्या होगा? अदर टाइप का बोन्स मिलेगा। ये बाबू आपका बाबू ले पैर वाला है, फीमर है, जिसको यहाँ पे अलग टाइप के बोन्स होंगे, यहाँ अलग होंगे, यहाँ अलग होंगे, ऊपर वाला अलग होंगे। तो ऐसे कर करके कितने टाइप के बोन होंगे ह्यूमन बॉडी में? 206 होंगे। कितने टाइप के बोन होंगे बोला? 206 टाइप का होगा। ठीक सर, ठीक सर, है ना? तो इसी सब के बारे में हमको क्या करना, पढ़ना है। इसी सब के बारे में क्या करना, पढ़ना है। ये जो बोन है बाबू, ये ले कौन सा है आपका, लॉ ये वाला लेग वाला बोन हो जाएगा, है ना? तो ये सब के बारे में हम लोग सारे के बारे में पढ़ेंगे, किसको एपे है ना, एपेंडिकुलर कहेंगे नहीं करेंगे, सारा हम लोग सीखेंगे। तो यही हमारा क्या, स्केलेटल सिस्टम है, दिख रहा है ना? ठीक बोला, ठीक है ना बाबू, यही क्या आपका क्या, स्केलेटल सिस्टम है, शांति से देखना। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे बाबू हम लोग के पास बाबू क्या, हम लोग किसका बाबू, हम लोग बंदर के प्रजाति, मंकी के प्रजाति, तो मंकी को क्या रहता था, पूंछ रहता था। तो वही यहाँ पे बाबू थोड़ा सा बाबू क्या है, हवाई टाइप का स्ट्रक्चर सर, पूंछ जिसको कहते। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक एक बोन है, यहाँ से लेकर भोला ऊपर तक क्या, एक ही एक्सिल है ना जी,
इसको क्या कहोगे? एक्सियल बोन कहेंगे सर अभ्या। यहां से नीचे से लेकर भोला, यहां से नीचे से लेकर बाबू, सीधे देखो एक बोन अटैच है कि नहीं है, जिसमें रिब केज वगैरह बाबू आपका है ना, वर्टिब्रेट सब, वर्टिब्री सब आता। तो इसको एक एक्सिस से सारा जुड़ा हुआ, इधर हाथ बाबू इसी एक्सिस से जुड़ा, रिब केज भी बाबू क्या कह रहा है, एक मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ है ना, एक ही एक्सिस से जुड़ा हुआ। तो इसको कौन सा कहेंगे भोला मयंक बाबू? एक्सियल बोन कहेंगे। शांति से समझते चलना सुरभि, है ना। ए प्रिंस राज, शैतान आपका 6 बजे से क्लास है जी। कौन है प्रिंस राज भोला? वीडियो ऑन कर बाबू। प्रिंस राज, ए भोला, प्रिंस राज वीडियो ऑन करो जी। आकांक्षा बाबू ऑन करो जी। शैतान दोनों वीडियो बंद करके वो पिटाएगी। ए आकांक्षा प्रतीक वीडियो ऑन कीजिए। हिताक्षी वीडियो ऑन करो बाबू। आकर शैतान ऑन करो। तो इसको हम लोग कौन सा बोन कहेंगे सर? एक्सियल स्केलेटल कहेंगे। ये एक ही एक्सिस से जुड़ा हुआ, ठीक। इधर जो बाबू साइड वाला होता है उसको एपेंडिकुलर कहोगे। आगे आपको सिखाएंगे, अभी आपको ओवरव्यू खाली बता रहे हैं, है ना, ठीक है ना भोला। तो ये जो है भोला, ये आपका कौन सा हो गया? एक्सियल हो गया। क्या हो गया? एक्सियल वाला हो गया, है ना सर। हाँ सर, तो कितना टाइप का बोन दिख रहा है? यहाँ हड्डी में अलग है बाबू, यहाँ के गला के पास अलग है। ये बाबू आपका हाय राम वाला बोन है भोला। इसी पे ना बाबू आदमी सब हाय राम कहता है। देखते नहीं हो बाबू? नहीं किसी को करते देखे अभिनय से? ऐसे नहीं करते, हाय राम तो कहाँ पे हाय राम होता? यहीं पे हाय राम होता। अगर ये नहीं रहेगा बाबू तो फिर गए राम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लंग्स है। अभी पढ़ा रहे थे बैच ई में, अभी हम लोग बैच ई में पढ़ रहे थे बाबू, इस रिब केज के अंदर लंग्स रहता, तो लंग्स का फंक्शन पढ़ रहे थे। तो लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता? यही रिब केज प्रोटेक्ट करता। तो आप लोग बहुत सारे लेडीज को देखना गाँव वगैरह जाना, कहते हैं हाय राम अल। ये बाबू रिब केज नहीं रहेगा तो फिर गए राम हो जाता है ना, ठीक है ना भोला। तो ये आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये केज है, पिंजरा है, किसको प्रोटेक्ट करेगा आपको भोला? लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो जब लंग्स पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे, है ना ठीक। ये जो बीच वाला हड्डी है इसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, है ना। ये आपका क्या बाबू? है ना, स्कल है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्कल है। क्या है? स्कल है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे? सीखेंगे, है ना। नोक है, नोज है वगैरह है ना। यहाँ से देखो आंख निकाल लोगे, ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बोला स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। आगे हम लोग को कौन सा डायग्राम, ये सब आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ठीक बोला, आगे देखो। ये बोला क्या बाबू? स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या बोन है? आप लोग बाबू अभी सावन का दिन चल रहा है ना, जूम हो जाओ जी। हाँ जूम हो गया, ठीक ठीक समझना इसको। आप लोग भोला ऊपर चलो जी, ठीक है सर। आप लोग कभी बाबू है ना, इसमें बहुत सारा बच्चा बाबू चिकन खाता होगा, मटन खाता होगा। तो मटन जो खाते हो भोला, तो ऊपर वाला लेयर हटाते हो भोला, तो कुछ इसी टाइप का आपको बोन्स मिलता है ना। तो चिकन का लेग पीस खाना, आपको लेग पीस ला के दिखा देते, लेकिन अभी कौन सा मंथ है? सावन है, ठीक है ना, अंधविश्वास है। तो सावन में बहुत अलाउड नहीं होता, नहीं तो लाते और चिकन बनवाते और लेग पीस निकालते। तो लेग पीस को खाओगे ना भोला, तो अंदर में बाबू है ना, उसको चिबाओगे ना बोन को, तो एकदम स्पॉन्जी जैसा लगेगा। तो ये जो आपका बोन्स का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या बोला? बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है भोला, स्पॉन्जी टाइप का। अरे बाबू ये बिस्किट आता है चाय में डुबाने वाला, है ना, चाय में डुबा डुबा के खाने वाला बिस्किट आता है, ब्रिटानिया वाला, है ना भोला। देखते ना वैसे है ना, रेक्टेंगल टाइप का शेप रहेगा, तो है ना, चाय में डूबने के बाद क्या करता बाबू? फूलता, खाने में टेस्टी लगता, ठीक है ना। तो ये जो बोन का स्ट्रक्चर है भोला, ये फंक्शन क्या करता है? तो बोन्स के अंदर मेरा क्या बनता है? ब्लड बनता है ना। खून कहाँ बनते हैं? अभी बाबू लंग्स में पढ़ा रहे तो सबको, खून बनता है, खून लेके दौड़ता है। तो अब खून बनेगा कहाँ? तो इसी बाबू है ना, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है भोला, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट नहीं दिख रहा, इसी के अंदर क्या बनेगा अभिनव सिंह? ब्लड बनेगा। क्या बनेगा कांछा सुहाम? ब्लड बनता है पीहू आशिवांश। तो ब्लड मेरा कहाँ फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? बोन मैरो के अंदर ब्लड बनेगा, ठीक ठीक सर। यहाँ पे भोला आपका, यहाँ पे बहुत मुलायम मुलायम बोन, छोटा छोटा पतला पतला हड्डी होता, जिसको हम लोग कौन सा कहेंगे? स्पॉन्जी बोन कहेंगे।
यही आपको स्ट्रक्चर से अभी बताए थे, है ना? ठीक, देखा बनाए थे ना जी। आज आप बाबू यहाँ पे जो ब्लड बनेगा इसको ले जाने के लिए पाइप वगैरह चाहिए ना जी। मान लो आपके छत पे टंकी है तो टंकी से नल बहू है ना, छत पर से पानी चालू हो जाता है, टंकी भरा जाता है, तो आपके किचन में आता है, आपके बाथरूम में आता है ना बाबू, ना जाने कहाँ कहाँ जाता है पानी बाबू, है ना? तो ले जाने के लिए पानी को ऊपर से लाने के लिए नीचे क्या चाहिए? पाइप चाहिए। ऊपर से नीचे पानी को लाने के लिए बाबू क्या चाहिए? पाइप चाहिए। क्या चाहिए बाबू? पाइप चाहिए, है ना? कागज आकार सुनो, तो ये जो बाबू यहाँ पे बाबू खून को कौन लेके जाएगा? खून को ले जाने का काम बाबू ब्लड वेसल का था। ये छोटा छोटा दिख रहा है ना बाबू आपका, बाबू रेड टाइप का, ब्लू टाइप का, तो ये क्या है? ब्लड को ले जाने और लाने का काम करेगा। नहीं दिख रहा है जी? नहीं जी, नहीं दिख रहा है, बोला सिस्टम में नहीं दिख रहा है जी। दिख तो रहा है, बोला लो देखो आंख फाड़ के ठीक से। तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है जी। हाँ सर, ये जो छोटा छोटा रेड कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे जो खून बनेगा उसको क्या करेगा? लेके जाएगा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक। तो बोन्स मेरा क्या करते हैं भोला? बोन्स मेरा क्या करेगा भोला? आपका ब्लड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोन मैरो कहोगे। क्या कहोगे? बोन मैरो कहोगे। और ये बाबू यहाँ पे बाबू ये दोनों जुड़ा रहेगा जिसको कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे। आई बाबू है ना, चिबाओगे इसको भोला, तो इससे बाबू बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये आपका क्या होगा? स्पॉन्जी बोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पॉन्जी बोन हो जाएगा ना, गुल गुल करेगा खाने में। कि नहीं ना सब खाना बाबू? सावन है बोला, चिकन वगैरह खाना जाके मम्मी आप लोग को बना के देगी, है ना? ठीक, तो ये क्या था बोला? बोन्स का क्या था? स्ट्रक्चर्स है। बोन्स का क्या है? स्ट्रक्चर्स है ना? ठीक सर, तो ये कहानी थी किसकी? बोन्स की थी, है ना बोला? अभी इसमें अभी हमको और लिखना, अभी बच्चा ना है जी, तो हम लोग बच्चा की तरह पढ़ेंगे ना बाबू। अभी सब एक बार में पढ़ा देंगे तो ऊपर से नहीं पार हो जाएगा, कि नहीं? कि नहीं बोला? थोड़ा थोड़ा समझ में आया अभिनव सिंह? टाइम यस पता भी नहीं चला। सर। सर बैठने का टाइम ही हो गया, टाइम टाइम हो गया। पता भी यस नहीं चला। डाउट अच्छा ठीक है, डाउट है बताइए। डी आई वाई डी आई वाई डी आई वाई